हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल सी 10th क्लास पेपर आंध्र प्रदेश समेटिव असेसमेंट 1 2022-23 सोशल स्टडीज 100% रियल क्वेश्चन पेपर। दिस इज योर 100% रियल क्वेश्चन पेपर विच केम इन टुमारोज एग्जाम। इफ यू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन पेपर यू कैन टेक 100 out of 100 marks in tomorrow's exam. So let's start the video without wasting any time. If you found this video helpful, so please like our video and subscribe my channel to get latest update in the future. This is section 1. Define the term terai. Second question is teacher, fisherman, primary sector. थर्ड क्वेश्चन एक्सपेंड IPCC। फोर्थ व्हाट इज मीन्ट बाय लिटरेसी रेट। फिफ्थ मेंशन एनी टू रीजंस फॉर द चेंज ऑफ इन द सेटलमेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन इज वी वेयर बोर्न फ्रॉम द वैली ऑफ द नर्मदा। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इन हर लेप। हु रोट दिस वर्ड्स एंड टू होम। सेवन्थ क्वेश्चन इज नेम द लीडर ऑफ बोल्शेविक्स। एट्थ क्वेश्चन इज मैच द एजेंट ऑरेंज विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। ए वियतनाम, वी चाइना, सी इंडिया। नाइन्थ क्वेश्चन इज हु सक्सेस्ड लाल बहादुर शास्त्री एज प्राइम मिनिस्टर। टेंथ क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज कनेक्टेड विथ द गिवन लोगो। इलेवेंथ क्वेश्चन इज प्लॉट द बिलो इंफॉर्मेशन ऑन अ बार ग्राफ। 12th क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जर्मनी, साउथ अफ्रीका। सेक्शन 2। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज सेटलमेंट। फोर्थ क्वेश्चन कमेंट ऑन द कंडीशंस ऑफ मिग्रेंट्स इन इंडिया। 15th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो राइट यूअर ऑब्जर्वेशन। 16th क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन मैप। क्वेश्चन नेम एनी फोर स्टेट्स इन विच हैव एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 20 degrees centigrade। 17th क्वेश्चन इज राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ RTI। 18th क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ट बाय पॉलिसी पैरालिसिस। 19th क्वेश्चन नेम एनी टू प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड इन स्कूल्स बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। 20th क्वेश्चन इज एप्रिशिएट द चिपको मूवमेंट। सेक्शन 3। 21th क्वेश्चन एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। 22 क्वेश्चन व्हाई ओनली अनस्किल्ड वर्कर्स आर माइग्रेटिंग टू वेस्ट एशियन कंट्रीज। 23rd क्वेश्चन इज राइट यूअर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द गिवन ग्राफ। दिस इज ग्राफ। 24th क्वेश्चन इज पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैन इंश्योर बेटर फूड सिक्योरिटी फॉर पीपल एक्सप्लेन। 25th क्वेश्चन इज What are economics impacts of world wars? 26th question is How the language policy helps foster national unity and integrity? 27th question is Observe the given map and answer the following questions. Question 1. A. Write any two countries which were not under Japan control. B. Question. Write any two islands which were under Japan control. 28th question. The 20th century is called the age of extremes. Why? Section 4. 29A. Contrast the relief of the Himalayan region with that of the peninsular plateau. Or B. What measures were taken to bring in socio-economic change during the initial years after independence? 13A. The impact of globalization has not been in uniform explained or B. Explain about the relations between India and Pakistan. 31A. Plot the information given in the following pie graphs in a table and write your observation or observe timeline and answer the following questions. First, when the World War II broke out. Second, what incident happened in the year 1945? Third, what is the capital city of Russia? Fourth, in which country the Treaty of Versailles conducted? 32A,
एनवायरमेंट इज क्रूशियली इम्पोर्टेंट फॉर द लिव्स एंड लिवलीहुड्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ लोकल कम्युनिटीज आर हारमोनियस विथ द एनवायरमेंट कमेंट और बी वन पार्टी डोमिनेंस इज नॉट प्रीफरेबल टू द इंडियन डेमोक्रेसी डू यू एग्री और डिफर कमेंट 33A लोकेट द फॉलोइंग इन द गिवेन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ए फर्स्ट नर्मदा रिवर सेकेंड अरावली रेंजेस थर्ड अरुणाचल प्रदेश फोर्थ मालाबार कोस्ट और बी सेकेंड फर्स्ट अमरावती वी महानदी थर्ड लक्षद्वीप फोर्थ वे ऑफ बंगाल वी लोकेट द फॉलोइंग इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड ए फर्स्ट इंडियन ओशियन सेकेंड ऑस्ट्रिया थर्ड वियतनाम फोर्थ क्यूबा और बी फर्स्ट नाइजीरिया सेकेंड बाल्टिक सी थर्ड इंग्लैंड फोर्थ चाइना सो प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन पेपर यू कैन टेक 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन टुमारोज एग्जाम क्वेश्चन पेपर सो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय.